आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार 4 दिन से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला प्रशासन ने रविवार शाम को सार्वजनिक चेतावनी जारी कर 16 गांवों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि यहां से 14 किलोमीटर दूर रामचंद्र मंडल स्थित रायल चेरू नामक 50 साल पुराने विशालकाय जलाशय के बांध में कुछ मामूली दरारें आ गई हैं। इस बांध से अगर पानी छूटा तो आसपास के गांवों में अचानक बाढ़ आ सकती है। इस वजह से प्रशासन ने लोगों को जरूरी चीजें और दस्तावेज लेकर ऊंचे इलाकों में जाने के लिए कहा है। अधिकारी इलाके में घूम घूम कर लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि बांध टूटने का खतरा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना गाँव छोड़ दे, अपना कीमती सामान और दस्तावेज लेकर यहाँ से चले जाए, अपने रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी दे दे। आंध्र प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले सब उफान पर बह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग बारिश से बेघर हो चुके हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, चित्तूर, कड़प्पा जिलों में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, वहीं कुछ लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। पेना नदी के आसपास के इलाकों में पानी घुस चुका है। पानी के तेज बहाव में नेल्लूर और विजयवाड़ा के बीच से गुजर रहा राष्ट्रीय राजमार्ग भी टूटकर बह चुका है। मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी जी ने कड़प्पा, अनंतपुरम और चित्तूर जिलों में क्षति का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कड़प्पा और चित्तूर के जिलाधिकारियों से बात की और नुकसान की जानकारी ली। दिव्य हिंदी न्यूज, तिरुपति। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।